अरे खींच लो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। हमसे मतलब है मैं और मनु दोनों ही ठीक हैं। तो फिलहाल मेरे भी सारे काम हो गए हैं और अभी मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत ही काम चल रहा है। अब जब फ्री हूँ तो मैं सोचा एक कर लूँ, लेकिन अगर करती हूँ तो शेयर करूंगी, नहीं करती तो मैं आपको बता भी दूंगी। और वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि हम मैं आपको एक न्यूज देने वाली हूँ जिसके लिए आप लोग बहुत दिन से पूछ रहे थे कि कब आएगी कब आएगी। तो कब आएगी वो भी मैं आपको बता दूँगी। अगर अभी समझ गए तो प्लीज कमेंट करके बता दो। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए करो, प्लीज एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। तो फिलहाल मनु आज ऑफिस से ना जल्दी आने वाला है तो मैं वेट कर रही हूँ। तब वो आएंगे फिर हम बनाएंगे चाय वगैरह, स्नैक्स वगैरह, और किसी काम से जल्दी जाना। मनु भी ऑफिस से आ गए हैं, देखो जूम कर गए ऑफिस से आके ऊपर आके काम करके फिर ऑफिस फिर आ गए दोबारा। पुअर बेबी आ गया, ऑफिस से आया, फिर काम कराया, फिर आया। बीइंग ए हस्बैंड इज नॉट इजी, बीइंग ए वाइफ इज नॉट इजी, बीइंग ए हस्बैंड आसान नहीं। कोई दर्द नहीं समझता एक पति का दर्द क्या होता है। हाँ, पति आज गैस कनेक्शन करवाने में ऑफिस से जल्दी आया और हालत खराब हुई। पानी भी नहीं पिया ना अभी तक। बाल बाल देखो बाल। आसान नहीं है यहाँ वाइफ बन जाना, आसान नहीं है क्या बोलते हैं शादी के बाद की लाइफ है, लेकिन हम खुश है। ऑफिस से आने के बाद कपड़े चेंज नहीं हो रहे, फोटो सेशन हो रहा है। ये ऐसे खींचो ऐसे खींचो, आपके फोन में अच्छी नहीं आती, मेरे फोन में अच्छी आती है, बस यही चलता रहता है। चाय पीनी है कि हाँ बना लो यार। हाँ बना लो यार, ठीक है। ये मनु की फेवरेट इलायची, इसके बिना मनु चाय नहीं पीते। पीते हैं मतलब घर पे बने तो इलायची चाहिए ही चाहिए, है ना। नौबी सेल्फी हो रही है फोन में। अरे खींच लो। एक्चुअली मनु बाहर गए थे गैस कनेक्शन कराने, तो मतलब अब शादी के बाद ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं हस्बैंड वाइफ दोनों पे, तो वही हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ अभी ये भी करना है ये भी करना है। तो गैस कनेक्शन कराने गए थे तो वो उसमें बहुत टाइम लग गया ऑफिस से आए, और वो वीकडेज़ में ही होता है, संडे को ऑफ होता है, तो ऑफिस से छुट्टी लेके आए थे थोड़ी देर के लिए। एंड यहाँ पे मैंने साथ ही साथ फिर दूध भी गर्म होने रख दिया है और शकरकंद भी यहाँ पे मैंने बॉयल होने रख दी। मैं कुकर में नहीं रखती क्योंकि ज़्यादा गल जाती है, ऐसे कढ़ाई में रखो ना तो 15 मिनट के अंदर अच्छे से मतलब ज़्यादा पकती भी नहीं है और कच्ची भी नहीं रहती है। तो ये हमारी रेडी हो गई है चाय और शकरकंद, ये बाद में खा लेंगे नाश्ते में। आज अभी मनु ने मुझे ट्रॉफी दी और उस ट्रॉफी के अंदर ये स्टिकर निकला, जैसे बचपन में नहीं हम लोग हाथ पैरों पर चिपकाते रहते थे तो बूमर वगैरह में निकलता था चिंगम वगैरह, पर टॉफी में निकला और वो भी छोटा सा टॉम टाइगर टाइप से। तो मैं टॉमो के बाइसेप पे लगाने जा रही, देखते लगते कि बचपन में लगाया करते थे बट बाइसेप कहीं और लगाता था, बाइसेप मार नहीं जा रहा हूं। तो यहां क्यूट लगेगा ना छोटा सा, देखते लगता है कि नहीं लेट्स ट्राई। यार ये हटेगा कैसे, पानी से चिपकाते हैं ना, स्टिकर लगाओ फिर उस पर पानी लगाओ। बाबू दो है इसमें, टाइगर भी और एक डॉग भी है, आपको दिख रहा हो तो। चलो पहले फिर लगा लेते हो फिर दिखाऊंगी आपको। अरे यार खुली नहीं रहा फिर, क्यों कर रहा है मुझे टाइगर। आपकी भाई सब अच्छा लगे तो इस पर बनाना खेल वाले का, ये निकले गए नहीं आते, ये खुलता नहीं है वैसे। नहीं नहीं क्वालिटी पर आनी पड़ेगी ना, मैं चुका भी हूँ, देखते कैसे लगता है। बचपन में मैंने इतने चुपाया ना, यहाँ 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 यार यार खुला खुला, लेट्स सी। ये मैं कितना अच्छी लगेगा, मैं जिम जा रहा हूँ।
पानी, बचपन की याद है। हम तो थूक लगाते हैं। ये कह रहा हम तो थूक लगा लेते हैं। मेरा छोटा भाई वो करता है। ये की लगना चाहिए बीच वाला। तो वो तो ऐसे कर चुका है। पता नहीं लगेगा। वहाँ पे तो लोगों ने बिना पानी लगाए लगा लिया था अपने अपने डायरी पे ऐसे किसके। अच्छा वहाँ पे अब पता है सबको देखी हाँ तो सबको देखी मुझे एक साल से मैंने ये नहीं लगा वहाँ पे तो टैटू लगा नहीं और पूरा पूरा खराब कर दिया। हाथ पे चिपका के मेरी किटी का सत्यानाश का लॉ टॉफी लेके आना, मैं अच्छे से चिपकाऊंगा। पता नहीं हमारा पोपट हो गया और ये वाला टैटू नहीं चिपका। मैं तुम्हारे मार्कर से बना दूंगी यहाँ पे। एक बार बनाया भी था भोलेनाथ। चल कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे फिर बनाने के लिए। अभी मैं बात वो बताने जा रही हूँ जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों से बोली थी कि कुछ शेयर करना है आप लोगों से। एक्चुअली बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे वॉइस से रिलेटेड, तो मैंने सोचा चलो अभी बता ही देते हैं कि आपके दीदी यूट्यूब फैमिली हो गई है 100K। यहाँ पर मैं सब्सक्राइबर नहीं बोलूँगी, यूट्यूब फैमिली बोलूँगी, क्योंकि मुझे यूट्यूब फैमिली बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू सब्सक्राइबर। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बोलते हैं मेरे से सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर, पता नहीं क्यों वो अजीब सा लगता है। मुझे यूट्यूब फैमिली अच्छी लगती है क्योंकि आप हैं तो हम हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ 100K आपकी यूट्यूब फैमिली हो गई है, बट आपकी सिल्वर प्ले बटन अभी तक नहीं आई है। ऐसा क्यों दी ये वो। तो एक्चुअली आप लोगों को पता है मैंने घर शिफ्ट किया, एड्रेस चेंज हो गया था, इसलिए हमने अभी अप्लाई नहीं किया था सिल्वर प्ले बटन के लिए। तो फाइनली आई अप्लाई, तो लेट्स सी कब तक आती है। जब तक जैसी आएगी तो वो मैं आप लोगों के संग जरूर शेयर करूँगी सिल्वर प्ले बटन। मेल आ गया, मेल एक और करेंगे ऐसा यूट्यूब की तरफ से आएगी, वो दोबारा से मेल करेंगे डिस्पैच करने से पहले। तो यही थी एक अच्छी सी न्यूज़। जल्दी आ जाएगी, एक हफ्ते के अंदर आ जानी चाहिए। तो मैं आप लोग ब्लॉग के संग बने रहिए क्योंकि मेरी प्ले बटन आने वाला है। अब हम सोच रहे हैं कि हम घर में लगवाएंगे कहाँ, तो देखते हैं कहाँ लगवाते हैं। तो फिलहाल तो मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ, मुझे आज कढ़ी खाने का मन कर रहा था, मौसम अच्छा हो रहा तो वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कढ़ी की तैयारी कर ले रही हूँ। मैं पहले पकौड़ी बना ले रही हूँ, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा जीरा अजवाइन और नमक वगैरह डाल लिया, थोड़ी बहुत मसाला, ज़्यादा मसाला नहीं डाला, मतलब सिंपल यही नमक मिर्च वगैरह डाली थी। तो इसी पकौड़ी बना ले रही हूँ और मैं बिल्कुल थोड़ी सी बनाऊँगी क्योंकि मनु को कढ़ी बहुत कम पसंद है। मुझे सबसे ज़्यादा कढ़ी चावल, मट्ठे के आलू चावल, यूपी वालों को पता होगा मट्ठे के आलू चावल क्या होते हैं, मट्ठे के आलू मतलब मेरे तो फेवरेट हैं। और कढ़ी भी मुझे छाछ की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से बना ले रही हूँ, जिसमें मैंने पकौड़ी बनाई थी उसमें छाछ वगैरह डाल के कढ़ी का भी बैटर तैयार कर लिया। और छौंकने के लिए मैंने हरी मिर्च और अदरक ले ली थी, अदरक डालने से एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसलिए मैंने अदरक ले ली। फिर राई, जीरा, हींग और ये सब डाल के मैंने कढ़ी भी छौंक दी थी। एक्चुअली सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं अपने अपने तरीके से, तो मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे ही सिखाई है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो फाइनली मेरी कढ़ी बन के रेडी हो जाएगी। तब तक मैं सोच रही हूँ चावल की भी तैयारी कर दूँ क्योंकि कढ़ी के संग चावल ही अच्छे रखते हैं, कढ़ी के संग रोटी कम पसंद है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ चावल बनाना, रोटी बनाना कम प्रेफर करती हूँ। मतलब मनु के लिए बनाती हूँ, मैं खुद चावल ही चावल खाती हूँ। और यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च से थोड़ा सा तड़का भी लगा दिया एंड में। यहाँ पे जीरा राइस भी बन के तैयार हो गया। आप सोच रहे होंगे ये येलो कलर के क्यों हैं, क्योंकि मनु को वाइट चावल पसंद नहीं है, तो इसमें मैं थोड़ी हल्दी डाल देती हूँ तो ये येलो कलर के हो जाते हैं। तो फाइनली मेरे कढ़ी चावल तैयार हो गए हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।